अगर कोई हम्बल है, काइंड है, जेनरस है, तो मांगलिक है नहीं है फर्क नहीं पड़ता. अच्छा राइट. इफ वन इज मांगलिक द अदर वन इज नॉट, बोथ आर एक्सरसाइजिंग, बोथ हैव गुड सेक्सुअल लाइफ, फर्क नहीं पड़ता. समवन टोल्ड द किंग दैट यू नो ये हुआ इसलिए कि आपने तुलसीदास जी को बंद किया हुआ है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, आपने गलत किया है. तो उन्होंने कहा कि चलो इनको रिहा करो. रिहा करा तो उनके साथ साथ सारी जो वानर सेना है वो चली गई. तो हनुमान चालीसा दैट वी रीड टुडे वाज एक्चुअली रिटन इन द जेल. लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, दिस इज द पिंकविला पॉडकास्ट. ऋषभ जी, वेलकम टू पिंकविला. थैंक यू सो मच सर. आप एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, और ज्योतिष शास्त्र हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है जो डिबेटेबल रहा है. कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ना पसंद करते हैं. पर बहुत सालों पहले मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो समय नहीं पर हालात भरोसा दिलाते हैं. आज थोड़ा इसको रिस्पेक्ट देते हैं, ज्योतिष शास्त्र को और समझते हैं जी. तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ब्रांचेस हैं, जैसे देर इज़ अ पामिस्ट्री, देर इज़ वास्तु, फिर न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारे तरीके हैं. अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्रेफर होना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है. टैरो कार्ड्स भी एक ऑप्शन है आजकल, राइट. इसमें से बेस्ट क्या लगता है कि एक एक इंसान को क्या प्रेफर करना चाहिए, और थोड़ा और ज्योतिष शास्त्र के बारे में अगर डिटेल में बता पाए. देखिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, आई ऑलवेज से कि ये सब चीज़ें एक ही कंक्लूजन पे आनी चाहिए. अगर एस्ट्रोलॉजी कुछ और कह रही है, न्यूमरोलॉजी कुछ और कह रही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों में से एक गलत है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कहे कि आपको पेट की बीमारी है, दूसरा कहे आपको सर की बीमारी है. राइट. सो इट इज़ आर मिसफॉर्च्यून कि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है एज प्रैक्टिशनर्स, कि हम ये जज कर पाएँ कि कौन सही है कौन गलत है. तो मैं हमेशा ऑडियंस को यही सलाह देता हूँ कि आप पहले कुछ थोड़ी रिसर्च कीजिए कि आप किसकी बात पे भरोसा करने जा रहे हैं. देखिए, कितनी आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ इंसान निराशा की हालत में आता है मोस्टली 90%. 10% क्यूरियोसिटी, 90% अ पर्सन इज समवेयर स्टक. जैसे मैंने कहा, हालात भरोसा, हालात भरोसा है ना. तो जब कोई आपके पास आता है, तो यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इन द स्टडी दैट यू डूइंग, कि आप उसको सही गाइड कर पाएँ. तो मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं लोगों को न्यूमरोलॉजी की जानकारी इतने सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि वो खुद अपने आप को देख पाएं जी, खुद एनालाइज कर पाएं कि हाँ ये जो चीज़ है ये हमारे साथ रेजोनेट करती है. तो जो रेमेडीज़ हमें बताई जा रही हैं वो भी हमसे रेजोनेट करेंगी. और जो रेमेडीज़ भी हैं, जो उपाय हैं, इट इज़ नथिंग बट बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस. हम कहते हैं ना, हर चीज़ भगवान के हाथ में. भगवान एक्चुअली में है क्या? भूमि जी, गगन, वायु, अग्नि, नीर जी, द 5 एलिमेंट जिससे पूरी दुनिया बनी है, जिससे हम बने हैं. तो अगर इन्हीं एलिमेंट्स को, और यही जो एलिमेंट्स हैं ये राशियां भी हैं, ज्योतिष भी है, तो अगर इन्हीं एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर लें तो दैट मींस वी कैन अचीव फुलफिलमेंट. या राइट. तो यही जब एलिमेंट्स खराब होते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और यही एलिमेंट्स जब बैलेंस होते हैं तो वी आर एबल टू कम आउट विद सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली. ठीक है, थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं समझाना चाहूंगा. बिल्कुल. ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये जो चीज़ है हमने इसका आविष्कार किया है. नहीं, राइट. न्यूमरोलॉजी, नंबर्स वी हैव नॉट इन्वेंटेड. बिल्कुल, वी हैव डिस्कवर्ड. नवग्रह पहले था, गिनती हमारी बाद में बनी जी. राइट जी. और ये जो बात है ना, ये हमारे देश के जो पूर्वज हैं उन्हें समझ में आई, लेकिन उनके बाद हमें समझ में नहीं आई. लेकिन ये बात किसको समझ आई? निकोलस टेस्ला को समझ आई जी. उन्होंने बनाया 369 कोड. अब आप एक को डबल करेंगे कितना बन जाएगा? दो. दो को डबल करेंगे? चार. चार को डबल करेंगे? आठ. आठ को डबल करेंगे? 16. सात. एक और छः, सात बन गया. और सात को डबल करेंगे तो 14. पांच नंबर बन गया. तो ये जो सब नंबर्स हैं ये आपस में डबल करो तो आ जाते हैं जी. सिर्फ 3 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनको डबल करते जाओ तो ये वापस में आपस में खेलते रहते हैं. 3 को डबल करो 6, 6 को डबल करो 12, वापस 1 और 2, 3 बन गया. 12 को फिर से डबल करो 24, 2 और 6, 6 बन गया. सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जो किसी के डबल में नहीं आता है. राइट.
तो 3 और 6 को माना गया है यिन एंड यांग, और 9 को माना गया है एक सुप्रीम पावर जो पूरी ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है. 369 इज द पावर ऑफ यूनिवर्स. अब यही जो बात है हमारे उपनिषद में वेदा में कही गई है. आपने हमेशा सुना होगा घर में कि भगवान के 108 नाम होते हैं. किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करिए, 108 एड्स अप टू 9, राइट. हमारे जो वेदाज है उसमें लिखा गया है कि जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है, दैट इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन. सिमिलरली फॉर द मून एज वेल. चलो ये तो बात छोड़ो, अब मुझे बताओ कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी कौन सी है? यूएस. सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री कहाँ की है? वहीं की, यूएस की है. उसका एक ऑफिस बिल्डिंग है पेंटागन, करेक्ट, राइट. वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट साहब बैठते हैं और पेंटागन में पूरा उनका मिलिट्री एंड डिफेंस है. उस पेंटागन का अगर आप देखो कि पेंटागन जो है ज्योमेट्री में, एक पेंटागन का जो एक एंगल होता है वो भी 108 डिग्रीज का होता है. तो हम अपनी जो साइंस है जो हमारे पूर्वज कह रहे हैं वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड बाहर वाले कर रहे हैं, और वो चुपके से कर रहे हैं जी, राइट. देर आर नॉट इवन मार्केटिंग इट, करेक्ट. तो इसलिए जो न्यूमरोलॉजी है इट्स नॉट अ मिथ, जो एस्ट्रोलॉजी इट्स नॉट अ मिथ, इट्स समथिंग विच इज वेरी लॉजिकल, बट हमें समझने की शक्ति चाहिए जी. आई थिंक गैलीलियो वंस सेड, राइट, दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड. एब्सोल्युटली, राइट. और हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं. पहले क्या था, अगर हम थोड़ी सी और पीछे जाते हैं, हम कहते थे एक सन है और 9 प्लैनेट्स हैं जी. अब वही नासा कह रही है कि एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं. हम शुरू से ही नवग्रह कह रहे थे, करेक्ट जी, राइट. तो हम उनसे आगे हैं. अच्छा, 369 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा नहीं कि टेस्ला साहब को पता था. आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं जी, एक आपके भी जो गुरु हैं, महारथी हैं इंडस्ट्री के, यश चोपड़ा साहब. अच्छा, वो 369 का कॉम्बिनेशन यूज करते थे. अच्छा, कैसे? अब जो न्यूमरोलॉजी है ये कहती है कि जो आपका नाम है इसका भी एक नंबर होता है. हाँ, ठीक है. इसको हम कहते हैं शाल्डियन कैलकुलेशन. ओके. हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दिया जाता है, 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू होती है. ये अगर चार्ट देखना चाहें तो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा. तो ऐसे ही जो अपने मूवीज के नाम रखते थे ये 369 पे रखते थे. ओ अच्छा. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नंबर 6 पे आता था. उसका शॉर्ट फॉर्म जिस नाम से फेमस हुआ, DDLJ, 3 नंबर पे आता था. चांदनी मूवी 6 नंबर पे था, राइट. ऐसे ही कभी कभी, उस कभी कभी में एक एक्स्ट्रा ई है अगर आप देखो जी, यस, राइट. तो दिस एड्स अप टू अ नंबर 9, ठीक है. ऐसे ही बंटी और बबली 9 पे टोटल आता है और 27 तारीख को लॉन्च हुई. रब ने बना दी जोड़ी, 12 पे टोटल आता है और 12 तारीख को ही लॉन्च हुई. और ऐसा नहीं कि पैटर्न चलता रहा तो मूवीज हिट होती गई, पैटर्न टूटा. रिसेंटली टूटा था, अभी देखा मैंने, बंटी और बबली का सीक्वल आया था. हाँ. बंटी और बबली 2 का दिया उसको. तो जो 9 था, 9+2 बन गया, और डेट थी लॉन्च की 19 तारीख की. अच्छा, तो क्या हुआ रिजल्ट सबने पर हमें पता है. तो 369 का जो पैटर्न चल रहा था वो उनके लिए सक्सेसफुल. अच्छा, उनके देखो डेट ऑफ बर्थ, ही इज अ 27 बॉर्न, नंबर 9, और वो अमर हुए 21 को. वाओ. तो 369 को उन्होंने यूज किया और कैसे हम लोग उनके साथ जुड़ते चले गए. तो वैसे ही हम सब यूनिवर्स के साथ 369 के कोड में जी बंधे हुए. इंटरेस्टिंगली आई थिंक इवन अंबानी फैमिली फॉलोज द 1 नंबर, राइट. उनके खानदान में आई थिंक सब नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. मोस्टली 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, राइट. जो धीरू भाई अंबानी साहब थे, ही इज नंबर 1. रतन टाटा साहब अभी भी नंबर 1 है, 28 है, राइट. एंड मुकेश अंबानी साहब नंबर 1 है, और जो उनके आगे बच्चे हैं वो 1 है, और बाकी 5 नंबर के जो हैं 23 भी है. नंबर 1 का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम, क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया और मैं बहुत लोगों से सुना है, दे इवन व्हेन दे प्लान डिलीवरीज ऑन अ डे विच सम्स अप टू अ नंबर 1 और कम्स टू अ नंबर 1 बिकॉज इट्स बेनिफिशियल फॉर देम, दे फील इट्स अ गुड नंबर. हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है. देखो 1 नंबर क्या है, सूर्य का नंबर है, सूरज का नंबर है. अब सूर्य इज वॉट, इट इज फुल ऑफ एनर्जी. सूरज हमेशा देता है, राइट. सनलाइट आती है अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस होता है, टेम्परेचर गोज अप एंड वी गेट फूड टू ईट. अगर सनलाइट ना हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट. तो नंबर 1 की एक खासियत है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दूसरों की सोच में भी नहीं आता जी. बट एट द सेम टाइम नंबर 1 की एक ड्रॉबैक भी है कि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि उनको वो समझ नहीं आता कई बार कि क्या करना है, इसलिए इरिटेटेड भी बहुत रहते हैं.
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिनका भी मूलांक, अब मूलांक क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, खाली डेट ऑफ बर्थ, पूरा टोटल नहीं डेट ऑफ बर्थ का, जैसे आपकी 10 तारीख है, मेरा 13 है तो 4 हो गया, जैसे 13 है तो 1 प्लस 3 4 हो गया, तो मूलांक किसको कहते हैं, तो जिनका भी मूलांक 1 है, 1, 10, 19, 28, दे हैव द कैपेसिटी बाय बर्थ टू बी लीडर्स, बट ये क्यों नहीं बन पाते, सिर्फ अपनी जिद की वजह से, अपने गुस्से की वजह से। अच्छा, तो अगर इसको कंट्रोल करना सीख लें, अपने फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर ले, देखिए आग जो है खाना बनाती भी है लेकिन खाना जलाती भी। बिल्कुल, तो अगर एक नंबर के जो व्यक्ति हैं, अगर वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लें, पेशेंस ले आएं अपने अंदर, थ्रू वट एवर रेमेडीज पॉसिबल, दे कैन डू वेरी वेल इन लाइफ। आपने न्यूमरोलॉजी समझाया, पर जैसे मैंने कहा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मुझे ये अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कैसे डिसाइड करूं एज अ नॉर्मल व्यूअर और एज अ नॉर्मल कंज्यूमर और एज अ नॉर्मल बिलीवर कि मुझे न्यूमरोलॉजी पे ही भरोसा आएगा या मुझे फार्मिस्ट्री पे ही भरोसा आएगा। देखो साइंस तो वास्ट है, राइट, अब आप आयुर्वेदा भी फॉलो कर सकते हैं, आप एलोपैथिक भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ व्हाट डू यू रेजोनेट टू विद। ठीक है, आप जब किसी एक न्यूमरोलॉजिस्ट को सुन रहे हैं तो देखिए कि कितनी चीज़ें मुझसे मैच कर रही हैं, क्या मैं अपने बारे में जान पा रहा हूँ कि नहीं जान पा रहा हूँ। वैसे ही जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तब हम मैक्सिमम राशियों की बात करते हैं और जो आपका चार्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, उसकी बात करते हैं, 12 घर हैं, 12 घर में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा हुआ है, तो बातें दोनों की सेम है। न्यूमरोलॉजी भी 9 प्लैनेट्स 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी 9 प्लैनेट्स और 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा है, और पामिस्ट्री भी आपके हाथ में जो प्लैनेटरी पोजिशंस हैं उसकी बात कर रहा है। तो एवरीथिंग इज अबाउट प्लैनेट्स, मेथड अलग चीजें हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब हम मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं तो देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज विच वी कैन अप्लाई, करेक्ट, तो 1+4 = 5 +2+3 = 5। या तो आपका एंड रिजल्ट जो है वो हर एक साइंस के साथ सेम आना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी अलग कह दे कि आपके लिए ये सही है और न्यूमरोलॉजी कह दे ये सही है, तो इंसान को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जी, अगर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो दोनों में से एक गलत है, राइट। उस केस में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, लेकिन साइंस गलत नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस अलग अलग नहीं कहेगी कभी भी। ये नहीं कहेगी कि एस्ट्रोलॉजी 1 नंबर सूर्य नहीं है और न्यूमरोलॉजी 1 नंबर सूर्य नहीं है, राइट। पर सर फिर जब वैसा सिचुएशन आता है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा कि ऐसा है और पामिस्ट्री ने कहा कि ऐसा है, राइट, मैं किस पे भरोसा करूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, एज एजुकेटेड पर्सन एंड एज एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, आपको ये देखना है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपका कनेक्ट कैसा है, राइट, उसकी कहीं भी कुछ बातें सिद्ध हुई हैं पीछे की नहीं हुई हैं, जी, राइट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डर बेचा जा रहा है, तो आजकल की दुनिया में डर बहुत बेचा जाता है, राइट, कि ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, जी, कुछ नहीं होगा, नहीं भी फॉलो करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, आपको मंजिल तक पहुंचने में देर लग सकती है, हो सकता है आप बीच में निराश हो जाओ, लेकिन जब GPS लगा होता है और अंधेरा रास्ता होता है तब भी कॉन्फिडेंस होता है कि आगे 500 मीटर के बाद एक राइट है, जी, राइट। सो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग लाइट इन योर लाइफ विच टेल्स यू दैट ओके प्रोबेबली दिस मंथ इज लिटिल टफ बट इफ यू हैंग ऑन देयर नेक्स्ट मंथ देयर विल बी समवन देयर अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट, राइट। तो पूरा गेम ही जो है वो ये है कि किस समय पे क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, या की पूरी प्रोग्रामिंग है, जी। मैं सिंसियरली बिलीव करता हूँ कि आपको सिर्फ अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और ये जो है ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, राइट, तो उसको अगर हम ठीक से फॉलो कर लें तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जी। और ये सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए हर एक का अलग उपाय है, हर इंसान का अलग उपाय है, और बहुत आसान उपाय हैं, ऐसे ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लें, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूर्वज आपको कहते थे, जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गाय को घास खिलाओ, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, सूरज देव को जल चढ़ाओ, ये सारे बहुत बार सुनते हैं, क्या मायने हैं सर ये सॉल्यूशंस के और यही क्यों दिए जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अब गाय की बात करते हैं सबसे पहले, राइट, गाय एक ऐसा जानवर है जिसके सर पे जब आप हाथ लगाते हो तो आपका हाथ चाटती है,
करेक्ट राइट हाँ जब वो आपका हाथ चाटती है तो शी इज एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी कॉम्पोजिशन कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है तो जो वो दूध देती हैं उसके बाद उसमें वो चीज़ें न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है एक साइंटिफिक स्टडी है वाओ इट इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट यू कैन रीड अबाउट इट ठीक है तो इसलिए गाय को माता भी कहा जाता है एक देवी का रूप भी दिया जाता है कि आप देखिए कि एक जानवर आपकी तकलीफ के लिए अपने शरीर से दवाई बना के आपको दे रहा है जी तभी दूध की इतनी पवित्रता है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडल्ट्रेशन हो रही है सब चीज़ें हो रही हैं राइट हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं तो वो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं हम खुद अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं सो एवरीथिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वी से अब सूर्य के जल की बात करते हैं सबसे कॉमन रेमेडी है और बहुत बार सुनने को मिलती है कि सूर्य को जल दे दो Now what happens is हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं ये कोई मना नहीं कर सकता Correct. हैं राइट और जब आप पानी सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो पानी गिर रहा है आपके आके उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो डिस्पर्जन होती है राइट डिस्पर्जन एज इन डिस्पर्जन जैसे बारिश होती है हाँ. बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो क्या होता है रेनबो आती है राइट हाँ. right? तो वैसे ही जब पानी गिर रहा है और सनलाइट उसमें से आ रही है तो डिस्पर्जन होती है डिस्पर्जन के बाद बनता है विबग्योर ओके रेनबो हाँ वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड करेक्ट वो जो सनरेज हैं जो पानी से फिल्टर होकर आपके पास आ रही है डिस्पर्जन दे आर चार्जिंग योर 7 चक्रास ऑफ द बॉडी ओके तो सुबह सुबह जो आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं उसको खोल रही है वाओ तो योर एनर्जी सेंटर स्टार्ट्स टू वर्क ये समझाना कितना जरूरी था ये मुझे बिल्कुल नहीं पता सो इट्स साइंस बेसिक साइंस है डिस्पर्जन होती है रिफ्लेक्शन होती है रिफ्रैक्शन होती है समझ मैंने कहा ना कि साइंस अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है समझने वाला और समझाने वाला चाहिए जी 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 ये हो गई नॉर्मल प्रैक्टिसेस एक और प्रैक्टिस है जो हमने कई बार टीवी में भी देखी है वेब शोज में भी देखी है कि अगर किसी को कोई मांगलिक है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम किसी पेड़ के साथ शादी कर लो किसी जानवर के साथ शादी कर लो कई बार ये थोड़ी सी वियर्ड साउंड होती है डू यू एंडोर्स दीज ऑल्सो डू यू थिंक दे वर्क नाउ आई टेल यू वॉट मांगलिक का मतलब क्या है ठीक है एंड योर्स इज़ अ वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म आई वुड वांट कि जितने लोगों तक ये पहुंच सके पहुंचे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वजह से परेशान होते हैं मांगलिक का मतलब सिंपल सी बात है दैट अ पर्सन हैज़ वेरी हाई एनर्जी एंड इज इम्पल्सिव ओके तो जो भी मांगलिक होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और वो इम्पल्सिव होगा जी ठीक है जिसकी भी चार्ट में है अब होता क्या है जब आप इम्पल्सिव होते हैं तो और हाई एनर्जी है तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू हैव वेरी हाई सेक्शुअल एनर्जी ठीक है तो होता क्या था कि अगर एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरा नहीं है तो द अदर वन रिमेन्स अनसैटिस्फाइड तो कहते थे कि दोनों हाई एनर्जी के आपस में करा दो ताकि ये आपस में ही एक दूसरे को संभाल सकते जी राइट तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी तो वो आगे आगे एक फॉर्मूला बनता है कि नहीं मांगलिक की मांगलिक से करानी आप मांगलिक की नॉन मांगलिक से भी करा दीजिए अगर दोनों पार्टनर हेल्दी हैं जिम जाते हैं तो उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छा राइट लेकिन हाँ एक बिल्कुल ही लेजी है लेथार्जी और दूसरा मांगलिक है तो उसमें प्रॉब्लम जरूर होगी सो इवन इफ यू आर डेटिंग समवन आप मांगलिक हैं आपके पार्टनर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेकअप कर लो यू जस्ट हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर फिजिकल फिटनेस आपको दोनों को अपना एनर्जी लेवल मैच करना है जी मैच करोगे तो ठीक रहेगा पेड़ से शरानी कराने का कॉन्सेप्ट क्या था कि पेड़ जो है लकड़ी है लकड़ी क्या है इट्स एन इंसुलेटर एनर्जी कंडक्ट नहीं करता है करेक्ट ठीक है और स्टेशनरी है हाँ. तो सोचते थे कि शायद एक खड़ी हुई चीज़ से एक लकड़ी से अगर एनर्जी एक्सचेंज हो जाए तो वो एनर्जी जो है शायद इंसुलेट हो जाए राइट तो अलग अलग तरीके हैं yeah. चीज़ों को देखने के नज़रिया है बट आई डोंट थिंक दैट इज इवन नेसेसरी या व्हाट इज द ऑप्शन सर अगर एक्चुअली कोई मांगलिक है तो उसको क्या करना चाहिए और सर मांगलिक आप थोड़ा और समझना चाहता हूँ कि कैसे हो एक इंसान मांगलिक कहा जाता है कैसे उसके इट इज द प्लेसमेंट ऑफ मंगल इन देयर चार्ट्स सिंपल सी बात है ना वो एक मंगल की प्लेसमेंट है वो चाहे लो मंगल दोष है हाई मंगल दोष है वो उनकी मंगल की प्लेसमेंट है और वो बचपन से रहता है और उसमें कोई बुराई नहीं है जी जैसे आपकी सूरज की प्लेसमेंट है वैसे मंगल की प्लेसमेंट है इट जस्ट मीन्स दैट यू विल बी मोर इम्पल्सिव इन योर लाइफ अब आपको जब पता है कि आपने अपना चार्ट देखा या चार्ट दिखाया आप मांगलिक हैं तो उसके लिए 100 तरीके की रेमेडीज मत करो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज काम डाउन आप जोर जबरदस्ती से कोई काम मत करो
गुस्से से किसी से बात मत करो, जितना अग्रेशन दिखाओगे, जितना अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करोगे, उतना आप खुद डोमिनेट होगे लाइफ में, डाउनफॉल देखोगे. ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट बी हम्बल. या अगर कोई हम्बल है, काइंड है, जेनरस है, तो मांगलिक है नहीं है फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, राइट. इफ वन इज मांगलिक द अदर वन इज नॉट, बोथ आर एक्सरसाइजिंग, बोथ हैव गुड सेक्सुअल लाइफ, फर्क नहीं पड़ता. राइट. हाँ, दोनों मांगलिक हैं तब भी उन दोनों को भी लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे. बिकॉज बोथ आर इम्पल्सिव बाय नेचर. करेक्ट. ठीक है. अब मंगल क्या है? इट्स ऑल्सो अ वॉरियर साइन. ओके. ठीक है. मंगल को जो है एक वॉरियर साइन भी कहा जाता है. तो होता क्या है कि ये जो लोग हैं ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं. जैसे एक योद्धा है ना, वो हमेशा मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है. करेक्ट. बट अगर उसको कोई बात बुरी लग जाए तो बहुत जल्दी चुप जाती है. जी. तो अगर कोई मांगलिक है तो दे बिकम वेरी सेंसिटिव एज वेल, कि मुझे कोई ऐसा क्यों बोल सकता है. तो ये खुद अपने रिश्ते खत्म करना शुरू कर देते हैं दुनिया से. दे टेक एवरीथिंग कि ये मेरी तरफ एक अटैक है. राइट. सो अगेन, इफ समवन इज मांगलिक, व्हाट यू नीड टू डू इज समटाइम्स इट्स गुड टू लेट गो. मैं कहता हूँ जिंदगी जो है ना उसको जीना है अगर, तो आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ेगा. जी. तो ये फॉर्मूला अगर मांगलिक या बाकी भी जो लोग हैं वो जीवन में अपनाएं तो इट्स वेरी इजी टू लिव. आई एम सो ग्लैड सर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि मांगलिक लड़का है, नहीं शादी होगी या नहीं करनी चाहिए, मांगलिक लड़की है, नहीं करनी चाहिए, और इसके अराउंड बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस भी चलती है. बट आई एम ग्लैड यू आर सेइंग दिस कि कोई हार्मफुल नहीं है उनका पर्सनैलिटी. एक नया फिनोमेना भी है सर जो स्पेशली मैं मेट्रो सिटीज़ में बहुत देखता हूँ, जो है कुंडली ना मिलाना ड्यूरिंग वेडिंग्स. मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे बड़े भाई का जब शादी हुआ था तब अरेंज मैरिज था, कि मेड श्योर कि कुंडली मिले, सब नॉर्मल हो गया. मेरे पापा मम्मी का भी वैसे ही हुआ है. व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरा लव मैरिज था, और हमने बहुत कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि हम कुंडली नहीं मिलाएंगे, बिकॉज व्हाट इफ समथिंग कम्स आउट, दैट वाज अ फियर, एंड वी विल नॉट ब्रेक अप बिकॉज ऑफ दैट रीजन. सो हमने कुंडली नहीं मिलाई. आपका क्या सजेशन है, कुंडली मिलानी चाहिए कि नहीं? देखो, रिश्ता जो है ना वो दो सी पे चलता है, टू सीज, कंपैटिबिलिटी एंड कमिटमेंट. जी. कंपैटिबिलिटी, आप कुंडली 36 में 36 गुण मिला लो, पर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. जी. राइट. और अगर कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी भी कम है लेकिन कमिटमेंट पूरी है तो रिश्ता सॉलिड चलेगा. अब होता क्या है कि आजकल के ज़माने में, जैसे मैंने फिर से आपको कहा कि प्रैक्टिस हैज़ बिकम अ लिटिल बिट इमेच्योर. कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, एक कोड है, डाला, उसने गुण बता दिए, मैरिज इज प्रेफरेबल नॉट प्रेफरेबल आ गया, हाई मंगल दोष, लो मंगल दोष, अब उसके बेस पे फैसला कर रहे हैं. जी. ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मूलांक. ओके. ठीक है, कि एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है. और दूसरा आपको अंडरस्टैंड करना है कि समय किस अनुसार चलता है. अच्छा. राइट. सो अगर आप ये समझ जाएं कि ये इंसान की नेचर ही ऐसी है, ये इम्पल्सिव है, दिल का साफ है, लेकिन थोड़े देर में ठीक हो जाएगा, तो यू नो दैट हाउ अ पर्सन इज. राइट. तो आजकल क्या होता है मेट्रो सिटीज में, दैट यू ऑलरेडी टेस्ट योर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आप बहुत सालों से साथ रह रहे हैं, डेट कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप. जी. तो कंपैटिबिलिटी है तभी तो साथ आए. जी. अब सारी बात है कमिटमेंट की. कब तक टिकेगा, कब तक टिकेगा. तो उसमें भी जब आपके एडवर्स फेजेस आते हैं तब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करें तो डेफिनेटली यू कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. यही मैं पूछना चाहता हूँ सर कि कमिटमेंट जो निभाना पड़ता है उसके बाद, उस वहाँ पे कुंडली आती है क्या, कि इफ अगर आपको पहले से पता हो, अगर आपने कुंडली देख ली है और आपको पहले से पता हो ये शादी में इश्यूज आएंगे, तो आप पहले से प्रिकॉशंस लो उन चीज़ों पे. एब्सोल्युटली. तो दैट कैन बी डन. तो अब जैसे कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है और 8 है. ठीक है. अब 3 और 8 मूलांक जैसे है, अभी यहाँ पे किसी का 3 नंबर भी था, सर का था, तो 3, 12, 21, 30. राइट. जी. 3, 12, 21, 30, ऑल ऑफ दीज नंबर्स एड अप टू नंबर 3. करेक्ट. और ऐसे ही 8, 17, 26 है. अब इनके अंदर इंस्टेंट अट्रैक्शन होती है, फिर इंस्टेंट रिपल्शन भी होती है. किम कार्डेशियन, काइने वेस्ट, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ 3 and 8. तो पहले इतना ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, फिर एकदम से रिपल्शन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एक जुपिटर है, दूसरा सैटर्न है. नाउ दीज आर द 2 बिगेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. करेक्ट. तो ये अब इनके बीच में क्या लड़ाई रहती है कि किसकी बात सुनी जाएगी. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपको शौक है एक दूसरे का,
तब तक तो आप निभाने की कोशिश करोगे, कुछ टाइम के बाद हो जाएगा माय वे और द हाईवे। या तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनमें फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं रिश्ता खराब होने की, तो उन्हें हम अवॉइड करने की सलाह जरूर देते हैं। अच्छा, तो आप रिकमेंड करते हैं कि कुंडली इज अ साइंस दैट वी शुड नॉट इग्नोर। व्हाट आई से इज डोंट गेट अफ्रेड कि आपकी कुंडली नहीं मिलती है, कुंडली मिलाओ जरूर, लेकिन ये समझने के लिए हमें रिश्ता बेटर कैसे बनाना है। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुंडली मिलाना बेकार है, कुंडली जरूर मिलानी चाहिए। आपको अपना कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप ये जान पाएं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, मैं कैसा हूँ, और जब समय विपरीत होगा, एडवर्स होगा, तब हमें क्या करना चाहिए। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योर एब्सोल्युटली। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा और समझते हैं सर। ये आई एम श्योर एक लिखित ज्ञान है जो आगे बढ़ाया गया है, जो आई एम श्योर ट्रांसलेशन भी हुआ होगा, लोगों ने अपना अपना वर्जन भी निकाला होगा। यस एब्सोल्युटली, देयर आर फोर वेदास राइट, एंड हमारे बहुत सारे सप्त ऋषि हैं जिन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी हैं, और ऐसे ऐसे वर्णन भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सूरज की दूरी के बारे में बताया गया है जी, राइट, हनुमान जी सूरज की दूरी में बात उसमें मेंशन है जी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो हनुमान चालीसा है वो एक्चुअली जेल में लिखी गई है। अच्छा, कैसे? Right. तो हमें नहीं पता, हम रोज पढ़ते हैं जी, लेकिन जो हनुमान चालीसा है वो जेल में लिखी गई है। अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाला था फॉर द 40 days, द 40 verses जो तुलसीदास जी थे वो हनुमान चालीसा के रिसाइट करते थे। अच्छा, और वो जोर जोर से उसको उच्चारण करते थे उसका। तो 40वें दिन क्या हुआ कि एक बंदरों की सेना आई वहां पे, और उन्होंने पूरा उत्पात मचा दिया वहां पे फोर्ट में। एंड समवन टोल्ड द किंग दैट यू नो ये हुआ इसलिए कि आपने तुलसीदास जी को बंद किया हुआ है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, आपने गलत किया है। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको रिहा करो, रिहा करा तो उनके साथ साथ सारी जो वानर सेना है वो चली गई। तो हनुमान चालीसा दैट वी रीड टुडे वाज एक्चुअली रिटन इन द जेल। वाओ, एंड इट्स एक्चुअली अगर आप हनुमान चालीसा का मतलब समझते हैं तो इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल। हम हनुमान जी से ये कह रहे हैं कि दैट यू आर सुप्रीम, आप जो चाहो वो कर सकते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जी, राइट, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हम कह रहे हैं कि हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, हमें फुल पावर मिल जाएगी, हमारे आसपास नेगेटिविटी आ भी नहीं सकती इफ यू आर द सेवियर। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अफर्मेशंस की बात करते हैं। इट वाज हिज अफर्मेशन व्हिच गॉट हिम आउट ऑफ द जेल। वाओ, which is why we should recite Hanuman Chalisa every absolutely day. Very Rose. Very interesting sir, I'm so Jee. Glad you said this, I had no idea. Very very interesting sir. Pitru dosh kya hota hai? Again, pitru dosh is something that you will have probably bad relations with your family members. Ab kya karna chahiye pitru dosh hai to? Shuruaat se bacche ko ye samjhana shuru kar do, ya jab pata chale, main to hamesha hi karna chahiye that you start spending time with your parents. चाहे सात समुद्र पार रहते हैं, आधा घंटा अपने माता पिता को फ़ोन कर लें, वीडियो कॉल पे बात कर लें, उनका ध्यान रखें, पितृ दोष खत्म। क्यों आते हैं सर लेकिन ये दोष में ही? इट्स अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, इट्स द पास्ट लाइफ कर्मास विच कम इन सम फॉर्म। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, उस डेट पर कुछ स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजिशन होती हैं जी। ठीक है, जैसे कि आपका जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर कुछ कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो किसी किसी जगह पे होंगे जी। तो जब कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होता है तो उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। बट हर किसी चीज़ का रेजोल्यूशन साथ साथ दिया गया है कि अगर आपकी कुंडली में ये है, अगर आपके चार्ट में ये है, तो आपको ये करने से फ़ायदा मिलेगा। और ये कहीं नहीं लिखा कि आप 1,00,000 रुपये की पूजा कराओगे तो ख़त्म हो जाएगा, या 10,00,000 रुपये की पूजा कराओगे तो ख़त्म हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ जी। ये हमने अपने लिए साधन बनाए हैं, हर एक दोष के बारे में लिखा गया है, हर एक दोष का निवारण भी साथ साथ बताया गया है। अच्छा, ये रिटन टेक्स्ट है? ये रिटन टेक्स्ट है, समझने वाला चाहिए, क्योंकि पुरानी कहानियों के तौर पे बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं जी, राइट। हम देखते हैं कि जब हम दिवाली की कथा पढ़ते हैं हाँ। तो बहुत सारी लंबी कहानी है हाँ। करवा चौथ की कथा है तो बहुत लंबी कहानी है, तो उसके अंदर से क्रक्स कैसे समझना है? जैसे गणेश जी की बहुत लंबी कहानी है, महाभारत बहुत लंबी कहानी है, तो हम क्या कहते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा, समझते ही नहीं है। बट अगर समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताया कि काल सर दोष है तो आपके काम अधूरे रहेंगे, पितृ दोष है तो परिवार के साथ रिलेशन खराब रहेंगे, तो अगर कॉन्शियसली अगर मैं कोशिश करूं कि क्या मैं अपने काम पूरे नहीं कर सकता,
इतना गया गुजरा तो हूँ नहीं मैं या हूँ नहीं कि मैं कोशिश करूँ और मेरे काम पूरे ना हों, कर सकता हूँ, बट टिल द टाइम आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस मैं फ्रस्ट्रेट होता रहता हूँ या होती रहती हूँ कि मेरे ही काम क्यों रुकते हैं. अच्छा मेरे को काल से दोष है इसलिए रुकते हैं, बट ये तो किसी ने बताया नहीं कि मॉर्निंग यूटिलाइज करो जी, फिनिश योर इंपॉर्टेंट टास्क अर्ली ऑन ताकि दिन आपका आराम से निकल जाए जी. और पितृ दोष है तो ये किसी ने बताया नहीं कि मेरे बाप आपके साथ मेरी नहीं बनेगी. मैं सोच रहा हूँ कि यार आई एम अनफॉर्चुनेट. आप बताओ, हम भगवान की बात करते हैं राइट, राम जी को धोखा किससे मिला था? अपनों से. रावण से तो बाद में मिला था, पहले अपनी सौतेली माँ से मिला था. करेक्ट राइट. कृष्ण जी को किससे मिला था? कंस से, अपने मामा से, सगे मामा से. करेक्ट राइट. तो जब भगवानों को ये इश्यूज थे जिनकी हम कहानियां पढ़ते, तो हम तो फिर भी इंसान हैं जी. बट इवेंचुअली व्हाट वी गेट टू लर्न इज दैट वी हैव अ वे टू कम अक्रॉस ऑल दिस, और जो सही है उसका सही होगा, जो गलत है उसके साथ गलत होगा जी. ये सच है कि रावण को ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्ञान था? एब्सोल्युटली 100% सच है ये. तो देखो क्या है ना कि ये एक कुदरत जो है, यूनिवर्स जो है, कहते हैं ना कि जब आप हिम्मत दिखाते हो तो यूनिवर्स आपका साथ देता है जी. तो राम जी ने हिम्मत दिखाई थी कि उन्हें पता था कि रावण ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हिम्मत दिखाई तो यूनिवर्स ने साथ दिया, विभीषण साथ आ गया जी. तो सही को हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन किसको कहते हैं? एंजल गाइडेंस जिसको हम कहते हैं आज की डेट में राइट. आज हम बहुत सारे नाम पढ़ते हैं कि एंजल्स के अलग अलग नाम हैं. करेक्ट. तो ये सब जो चीज़ें हैं डिवाइन इंटरवेंशन है कि जब आप हिम्मत दिखाओगे तब ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा. सामने जितनी मर्जी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन जिसके अंदर हिम्मत है आखिर में जीत उसी की होगी. कहते हैं वो ग्रहों को बदल सकते थे, ग्रहों की पोजीशनिंग बदल सकते थे. बदल क्या सकते थे, ये कहते तो ये भी हैं कि जो उनका एक रूम था उस रूम में उन्होंने हर किसी को नीचे बांधा हुआ था, सारे ग्रहों को. अच्छा. इंद्र को तो, हाँ, उनके बेटे ने तो इंद्र को जीत रखा था, देव को जीत रखा था. इंद्रजीत कहते थे जी जी. तो डेफिनेटली दे वर पावरफुल. या शिव जी का वरदान था. बिल्कुल. तो जैसे मैंने कहा कि पावर एक जगह पे है, लेकिन सच्चाई, डिवोशन, लव, करेज एक जगह पे है. तो बुराई जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन जो है, भगवान का जो साथ है, वो हमेशा अच्छाई को मिलता है. बिल्कुल अमेजिंग. सर हमारे यहाँ ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने कुछ पूछा लोगों से कि किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, और हमको सबसे ज़्यादा आंसर आया दे ऑल वॉन्ट टू नो अबाउट रिलेशनशिप्स. वंडरफुल. तो मूलांक है पहले 9 जी, है ना, 1 से लेके 31 के बीच में सबका डेट ऑफ बर्थ आता है. 9 मूलांक होते हैं. जो आपकी डेट है उसका जो टोटल है, जैसे आपकी 13 है, 1 और 3 का 4 बनता है. ठीक है. अब जो एक नंबर मूलांक है, 1, 10, 19, 28, अब इनकी नेचर कैसी होती है? बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं. ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, बट अपनी बात को एक्सप्रेस करना नहीं आता बच्चों को, हमेशा भागते दौड़ते रहेंगे. बच्चे ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं जो सोच भी नहीं सकते जी. हम राइट, हम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, बच्चा उठ के अपने चल पड़ता है. तो इसलिए जो एक नंबर है उसको हम कहते हैं कि दे आर ऑलवेज पावर हाउसेस. जो अभी हम बात कर रहे थे इस वीडियो के स्टार्टिंग में, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, करेक्ट राइट, दैट एवरीवन दे आर फुल ऑफ एनर्जी, और वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. तो एक नंबर के जो रिश्ते हैं वो यूजुअली क्या होता है कि दे आर लिटिल इमेच्योर इन यंग एज. ओके. ठीक है. ब्रेकअप सबके होते हैं, लेकिन एक नंबर वालों के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमेच्योरिटी में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं अपने मुँह से जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए. मैंने आपको ये भी बताया ना, इम्पल्सिव है जी. सूर्य है ना, एकदम से आग जो है अंदर से निकलती है, और कुछ बोल जाते हैं ऐसे पार्टनर को कि बाद में खुद पछताते हैं कि अरे नहीं बोलना चाहिए था, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा था लेकिन मेरी गलती की वजह से वो रिश्ता खराब हो गया. तो बाद में रियलाइज करते हैं, उस टाइम तो आग बबूला होते हैं. बिल्कुल. इट्स नॉट यू, इट्स मी. या सो 1, 10, 19, 28 बेसिकली दे आर वेरी लविंग, वेरी लॉयल, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू कंट्रोल देयर एंगर. और इनके लिए जो अच्छे नंबर हैं साथ निभाने के लिए, अब एक नंबर है तो 7 नंबर अच्छा है इनके लिए, क्योंकि 7 नंबर क्या है, एक ऐसे व्यक्ति का होता है जो कि थोड़ा सा मैच्योर होता है. 7, 16, 25 जिनका मूलांक है राइट. तो 7, 16, 25 किसी का मूलांक है और उसका एक नंबर के साथ पार्टनर है तो अच्छा रह सकता है. ओके. अब एक नंबर जो है स्पेसिफिकली, अगर उसका रिलेशनशिप 8 नंबर के व्यक्ति के साथ है, 8, 17, 26 तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि 8 शनि है और 1 सूर्य है जी. इसका जो वर्णन है कहानी में भी है कि सूर्य और शनि
पिता पुत्र हैं जी, और दोनों में आपस में बनती नहीं है। तो आठ नंबर क्या कहता है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहता है, बच्चा कहता है कि मैं मौज मस्ती करूंगा, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वन एंड एट। अब वन एंड फोर का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा खट्टा मीठा होता है। अच्छा, ठीक है। अब जो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आप इनका रिवर्स भी देख सकें, वाइस वर्सा भी देख सकें। बिल्कुल, ठीक है, कि एक का सात के साथ बता दिया, चार के साथ बता दिया, आठ का बता दिया, तो इनका भी वाइस वर्सा लागू होगा ताकि हम जल्दी इसको कवर कर पाए। अब चार के साथ खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब चार कैसा है व्यक्ति है, चार ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रैक्टिकल है, हार्डवर्किंग है, रूल्स को फॉलो करना चाहता है, वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है। चार नंबर एक ऐसे इंसान का नंबर है जो कि कमिटेड है, और एक नंबर अपने रूल्स बनाना चाहता है, जैसे मैंने कहा दे आर द लीडर्स इन देयर ओन वे। तो यहाँ पे क्या होता है कि खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है, कभी कभी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, अलग रास्ते हो जाते हैं। तो एक और चार में जैसे अब दोनों भाई अलग तो हो गए, अंबानी एक है, दूसरा चार नंबर है जी, लेकिन फिर भी साथ हैं, तो जब भी मुसीबत में आते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल राइट। ऐसे ही जो दो नंबर है 2, 11, 20, 29, नाउ ये जो नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं जो घर के बड़े होते हैं ना, या घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसकी जैसी नेचर होती है इनकी। ओके, अब कभी भी किसी दो नंबर व्यक्ति को मिलना, 2, 20, 11, 20, 29 को, ये ना बड़े सेक्रीफाइसिंग होते हैं कि हमेशा दूसरों का ध्यान रखना चाहते हैं कि पहले आप खा लीजिए, कोई बात नहीं हम आपकी पसंद का कर लेते हैं जी, राइट। सो 2, 11, 20, 29 को जिंदगी में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए दैट आई डोंट बिकम अ सबमिसिव। दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए निछावर हो जाना कहीं ना कहीं ये फिर खुद रोते हैं जी कि मैंने दूसरों के लिए बहुत किया लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया। आपको किसी ने नहीं कहा था, आपने खुद ये चूज किया बिकॉज यू लाइक टू गिव। अब मून से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं चांद की शीतलता, तो इमोशंस आए हैं, इमोशंस बहुत आए हैं। तो 2, 11, 20, 29 दे आर वेरी मूडी, वेरी इमोशनल, बट एट द सेम टाइम वेरी पोजेसिव। 2, 11, 20, 29 को कहा जाता है कि शांत लोग होते हैं, लेकिन जब बात इनके परिवार पे आती है ना तो ये माँ काली का भी रूप ले लेते हैं। अच्छा, सो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली एज वेल। तो 2, 11, 20, 29 दो नंबर भी जो है उनका भी रिश्ता सात नंबर के साथ अच्छा रहता है, ठीक है, और छः नंबर के साथ भी अच्छा रहता है क्योंकि मून एंड वीनस है जी, मून के लोग भी सुंदर दिखते हैं, वीनस के लोग भी सुंदर दिखते हैं जी, तो दैट वाज इट्स अ ब्यूटीफुल मैच। श्योर। तीन जो है नंबर 3, 12, 21, 30 ये जो मूलांक है ये ऐसे लोगों का है जो क्रिएटिव है, इन्हें कुछ नया करना है, इन्हें लोगों से बात करने में मजा आता है, इन्हें कुछ नया करने में मजा आता है, ये कह सकते हैं एक तरीके से कि दुनिया से हटके चलते हैं जी, राइट। 3, 12, 21, 30 और इन्हें हर चीज़ ना लाइफ में बड़ी पसंद है, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए जी, छोटी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है कि इनका जो रिलेशन है आठ नंबर के साथ, मैंने पहले भी बताया कि किम कार्डेशियन, काइन वेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब आठ नंबर क्या है, डिसिप्लिन में चलो, जो चादर है उसके हिसाब से चलो। तीन नंबर कहते हैं चादर देखी जाएगी, पहले खर्चा करो, स्पेंड गॉड विल सेंड, ठीक है। तो इनकी रूल बुक अलग है 3, 12, 21, 30 की। तो ये जैसे छः नंबर है वो भी आउटगोइंग है, एडवेंचरस है, सेक्सुअल नंबर है, लग्जूरियस नंबर है, तो तीन और छः की कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही तीन नंबर जो है एक नंबर के साथ भी ठीक रहता है। अच्छा, क्रिएटिव और पावर डायनामिक, क्रिएटिव है और इनोवेटिव है, रिस्क टेकर है। अच्छा, और साथ में एक नंबर भी विजनरी है, तो राइट इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन दैट पेस। इसके बाद आ जाती है बात कि आपका चार नंबर, तो चार नंबर जो है 4, 13, 22, 31 जो मूलांक है। नाउ एज आई सेड, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, डिटर्मिंड, कमिटेड। चार नंबर के जो लोग हैं ना उन्हें एक ऐसा रहता है अपने ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं वो जी। किसी ने नहीं कहा कि आप जिम्मेदारी लें, लेकिन ये कहेंगे कि हम जिम्मेदारी लेंगे बिकॉज दे लाइक टू प्रूव देमसेल्व्स। इन्हें अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं और मुझे सामने से क्या चाहिए, बस शाबाशी चाहिए जी, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन चाहिए। तो ये अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भूखे, क्योंकि राहु की जो कहानी है समुद्र मंथन की,
राहु जो है इनकम्प्लीट है जी. सो व्हेन दे फील कि कोई हमें प्रशंसा कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, तो दे फील कम्प्लीट. मेक सेंस, राइट. तो 4, 13, 22, 31 जो है यूजुअली सबके साथ इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं. ओके. क्योंकि ये कैसे लोग हैं कि आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी. मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर है लेकिन मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर भी है. श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के जो हैं वो 4 नंबर के हैं जी. ठीक है. तो लोग यूजुअली कहते हैं कि 4 नंबर है तो सब खराब है. 4 नंबर है तो सब सही है, लेकिन 4 नंबर को क्या होता है कि रिजल्ट धीरे मिलते हैं लाइफ में, स्लो मिलते हैं. तो जो काम 20 में होना चाहिए वो 25 में होता है, जो 25 में होना चाहिए वो 30 में होता है जी. लेकिन अगर यही डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ रोज लगे रहें तो रिजल्ट जरूर मिलेगा. ठीक है. अच्छा लगा सुन के सर. हाँ. तो रिलेशन इनके सबके साथ अच्छे होते हैं, बट अगेन 4 नंबर जो है उनका 9 नंबर के साथ थोड़ा सा इशू रह सकता है. क्योंकि होता क्या है, इवेंचुअली खराब नहीं रहता रिश्ता, बट 9 and 4 फ्रीक्वेंसी सच है. 4 नंबर जो है थोड़ा संत टाइप का है और 9 नंबर जो है क्षत्रिय टाइप का है. राइट. तो दोनों का आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकते हैं एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ जी. बट ओवरऑल 4 नंबर गोज विद ऑल वेल. बट 4 नंबर के साथ अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो 2 नंबर की कंपैटिबिलिटी बेस्ट है, अच्छी रहती है. राइट. अब बात बात आती है 5 नंबर की, 5, 14, 23. ये है मस्त मालो लोग. ये कहीं भी बनना नहीं चाहते, कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम जो करना चाहें हमें कोई रोके टोके ना. दे हैव फ्लैम्बॉयंस, दे आर विजनरीज, दे लाइक टू टेक रिस्क. ठीक है. अनुपम मित्तल साहब shaadi.com के 5 नंबर के हैं. स्टॉक मार्केट में 5 नंबर के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. अच्छा. ठीक है. क्योंकि रिस्क लेते हैं. तो लग जाए तीर तो इनका लग जाए, ना लगे तो ना भी लगे. तो ये इनकी लाइफ जो है अप एंड डाउन रहती है. राइट. राकेश झुंझुनवाला साहब एस इन्वेस्टर, वो भी 5 नंबर के थे. अच्छा. राइट. सो दे हैव द एबिलिटी टू टेक रिस्क इन लाइफ, स्पेशली विद फाइनेंसेस. राइट. तो 5, 14, 23 जो है रिस्क टेकर्स होते हैं, इसलिए इनको 1 नंबर पसंद है. क्योंकि 1 नंबर भी विजनरी है. Correct. जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अंबानी फैमिली इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 5. करेक्ट. राइट. सो 1 and 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, ऐसे ही 5 and 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है. अच्छा. अब क्या है कि 5 नंबर जो है मकरी से गवर्नड है और 8 नंबर शनि है. राइट. तो मकरी इतनी स्पीड में भागता है कि शनि की कंट्रोल कभी कभी उसके लिए फायदे का काम करती है. अच्छा. तो 8, 17, 26 and 5, 14, 23 आपस में अच्छा मैच बनता है. ठीक है. अब आ जाती है बात 6 नंबर की, 6, 15, 24. तो 6, 15, 24 जो है दिस इज काइंड ऑफ अ नंबर जो कि स्पिरिचुअल भी है, मटेरियलिस्टिक भी है. अब उन्हें क्या है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि हम अध्यात्म की तरफ जाएं या हम घर की जिम्मेदारियां पूरी करें जी. 6, 15, 24 जो है थोड़ा मन चंचल होता है, जल्दी सुंदरता की तरफ खींचे चले जाते हैं. फिर इनको याद आता है कि नहीं, हम तो कमिटेड हैं, हम कहीं मन हमारा भटक नहीं सकता है. तो ये जो हैं एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत कमिटेड हो जाते हैं, लेकिन जब तक कमिट नहीं होते हैं तब तक इनका मन बहुत चंचल रहता है जी. राइट. सो 6, 15, 24 जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नंबर के साथ, क्योंकि दोनों सुंदर होते हैं यूजुअली. 6 नंबर इज एवरग्रीन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर नंबर 6 है वो. नंबर 6 है तो दे आर एवरग्रीन. तो 6 नंबर भी जो है ना, आप देखो कि उनके चेहरे पे उनकी एज नजर नहीं आती है. 6, 15, 24. तो दैट वेज नंबर 3, 2, 9 के साथ रिश्ते अच्छे चलते हैं. और लोग यूजुअली इनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग लगते हैं. तो लोग इनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं. Sure. और हिम्मत वाले होते हैं 6 नंबर के. देखो अब APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वो पायलट बनना चाहते थे. करेक्ट. नहीं बन पाए, प्रेसिडेंट बने, फाइटर जेट में बैठे, प्लेन उड़ाया जी. तो फाइटर वो पायलट बने. जो तो करना 6 नंबर वाले भी जिद्दी होते हैं कि जो करना है वो करना है. राइट. अब 7, 16, 25 स्पिरिचुअल नंबर बट द सेम टाइम मिसअंडरस्टूड नंबर, क्योंकि अपने में रहना पसंद करते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं. कटरीना कैफ. अच्छा. शाहिद कपूर जी. राइट. जी. 7, 16, 25. तो पहला तो इनका खुद के अपने साथ मैच, विकी कौशल भी 16 है, कटरीना कैफ भी 16 है. हाँ. साथ साथ है. Correct. ठीक है. तो 7 नंबर का खुद के साथ मैच अच्छा रहता है और 9 नंबर के साथ मैच अच्छा रहता है. हाँ. राइट. इसके साथ साथ 7 नंबर का 1 नंबर वालों के साथ भी
अच्छा बनता है, अच्छा रहता है, ठीक है। दो के साथ भी इनका मैच ठीक ठाक रहता है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है आपकी आठ नंबर की, 8, 17 and 26। अब 8, 17, 26 को ना यूजुअली लोग गलत समझते हैं, ये बड़े श्रूड हैं, स्टबन हैं, इनकी डोमिनेट करने की आदत है, बट एक्चुअल में 8, 17, 26 जो बात बोलते हैं ना, अगर वो सुनो तो उस टाइम शायद वो गलत लगे, लेकिन बाद में वही बात सही लगेगी। तो 8, 17, 26 के जो लोग होते हैं यूजुअली आपका भला चाहते हैं, बट दे आर जस्ट स्ट्रिक्ट इन देयर बोलने का तरीका, लैंग्वेज। होता क्या है, कई बारी उनको मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस। जॉन अब्राहम जी राइट, नंबर 8 है, कई बारी मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है, बट देखिए दिल से कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल एनिमल्स का देखभाल करते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। तो 8, 17, 26 इज अ नंबर जिसके साथ जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं, जैसे कि 7 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 5 मैच्योर नहीं है लेकिन 5 जो है स्पीड है, तो स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाती है, अच्छा तो इनका अच्छा रहता है। बट 1 और 3 मूलांक अवॉइड करने चाहिए एज पर द चार्ट, एज पर द न्यूमेरिक कैलकुलेशन, ठीक है। आखिर में आता है 9 नंबर, तो 9, 18, 27। अब 9, 18, 27 एक ऐसा नंबर है जिसमें सब नंबर्स की खासियत भी है और सब नंबर्स की खामियां भी है। जैसे मैं अभी आपको वीडियो के शुरुआत में 369 के बारे में बता रहा था कि कोई भी नंबर डबल होके 9 पे नहीं पहुंच सकता, तो वैसे जब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 9 नंबर वालों को अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार लोग मुझे कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा अप्लाइज टू एवरी वन, यस इट डज, बट 9 नंबर पे ज़्यादा अप्लाई करता है बिकॉज यू आर बॉर्न विद अ हायर फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी है सर, 9 नंबर को कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना जी। तो जो 9, 18, 27 के लोग हैं यूजुअली इनके अंदर कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है, दे हैव द करेज, दे हैव द पावर कि ये दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपना जो ध्यान है, जो इनकी पावर है, वो लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं क्योंकि इनको मार्गदर्शन नहीं मिलता सही में। बट इवेंचुअली दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। सलमान खान साहब हैं जी 27 नंबर, यश चोपड़ा साहब की बात करी हमने, करेक्ट 27 राइट। तो अगर सही जगह दिमाग लगाएं तो कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं ये। बट 9, 18, 27 जस्ट बिकॉज दे आर इम्पल्सिव, जो मैं मंगल की बात कर रहा था, मांगलिक की बात कर रहा था जी, ये कई बार गुस्से में आके अपनी चीज़ें खुद खराब कर देते हैं। तो अगर संयम के साथ रहें तो इनके भी रिश्ते अच्छे अच्छे बन सकते हैं, चल सकते हैं। 9, 18, 27 सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमने दूसरों के लिए बहुत किया लेकिन हमारे लिए किसी ने नहीं किया, नहीं किया। तो 9, 18, 27 के लिए नंबर 3, नंबर 6 इज़ गुड, 3, 6, 9 हमेशा कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। इसके साथ साथ 7 नंबर अच्छा है राइट, और बाकी जिन नंबर्स का हमने आपस में कंपेयर नहीं किया है दे आर एवरेज मैच, ओके ठीक है, मतलब उनका चल सकता है। सर ये कितना डिफिकल्ट है याद रखना? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसका लॉजिक समझो तो। जैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया जी, हर एक नंबर की क्वालिटीज़ को बताया, अगर आप उस क्वालिटी को इस क्वालिटी के साथ लिंक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मिक्स एंड मैच कैसे करना है। बिल्कुल जी, सो आप सबको पता है किसको कैसे पार्टनर ढूंढना है। हाँ जी, और एक बार ये देख लो अच्छे से। बट लाइक यू सेड, कितनी सारी चीज़ें सर हमको समझी कि ये साइंस है, अगर इसको समझा जाए, इसको लॉजिक दिया जाए, इसको रिस्पेक्ट दिया जाए, तो अगर बाहर वाले यूज़ कर सकते हैं यही पावर को तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू अस, इट रियली मींस अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच जी। यू कैन ऑल्सो हियर द एंटायर कॉन्वर्जेशन ऑन गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, पॉडकास्ट इंडेक्स, RSS कम्युनिटी एंड लिसन नोट्स।